स्टोर के अंदर टिके बने रहेंगे। आज आपको दिखाने वाले हैं पोको M3 Pro 5G के ऊपर फुल रिव्यू। इस फोन को मैं सिम डाल के 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, जी हाँ 1 महीना नहीं, टोटली 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के अंदर क्या आया क्या नहीं आया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ आपको क्लियरली बोल पाऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आपको भी एंड तक पता लग जाए कि इस फ़ोन में क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है और क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सो हे फ्रेंड्स, डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो मुझे डिज़ाइन वाइज ये वाला फ़ोन काफ़ी पसंद है, इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। जी हाँ, इसका इस तरह का कटआउट जो दिया गया है ब्लैक कलर का, इधर पोको लिखा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस तरह का मोटा मोटा लोगो पसंद है फ़ोन के पीछे या फिर नहीं। और इस साइड में आपको 5G लिखा गया है। इस फ़ोन की ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा और इस साइड में आपको आयर ब्लास्टर और इधर आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा। इसी फ़ोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन और इधर ही आपको फिंगरप्रिंट प्लस पावर बटन देखने को मिल जाएगा। बॉटम में बात करें तो इस साइड में आपको माइक मिल जाएगा, इधर आपको टाइप सी पोर्ट और इधर आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा सिम इजेक्टेड टूल, अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको इधर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 2 सिम एक साथ लगा सकते हैं या फिर आपको 1 सिम एक माइक्रो SD कार्ड जो एक टाउन पॉइंट है। इसका कैमरा सेटअप है जो थोड़ा निकला हुआ है, मतलब कि कैमरा बम्प आपको थोड़े बहुत देखने को मिल जाएगा। इसके कैमरे के बारे में बाद में आते हैं लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विथ 90Hz रिफ्रेश रेट जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन के साथ भी आता है इसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले वाइज मैं बोलना चाहूँगा कि ये डिस्प्ले उतना बड़ा भी नहीं है 6.5 इंच और उतना छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का डिस्प्ले है जो एकदम परफेक्ट साइज है मुझे लगता है एक स्मार्टफोन में होना चाहिए। मैं आपको इधर पंच कटआउट में कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो आजकल हर फोन में आपको पंच कटआउट वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले में आते हैं तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, जी हाँ इस प्राइस पॉइंट पे आपको इस फोन में IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्प्ले ख़राब है टोटली IPS है, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इस फोन को ले जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख पाएंगे, बहुत ही ब्राइट तो है ऐसा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ डायरेक्ट सनलाइट में अगर बाई चांस आप आ जाते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले में आपको कोई भी एकदम कमी नज़र नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि देख ही नहीं पाएंगे देख पाएंगे। तो डिस्प्ले वाइज ठीक ठाक है, व्यूइंग एंगल सब कुछ आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा इस फोन में डिस्प्ले वाइज। कैमरा तो इस फोन में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरा दिया गया है, 48 MP का मेन, उसके बाद आपको 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर जो पोर्ट्रेट शॉट्स लेने में काम में आता है और 2 MP का आपको मैक्रो लेंस। तो पीछे के बारे में कैमरा जो है एक्चुअली इस तरह का कि डेलाइट कंडीशन में आपका अच्छा फोटो आएगा, जी हाँ अगर आपको थोड़े बहुत कैमरा में सेटिंग में 6 बदल करना आता है तो आप बहुत अच्छे फोटोज ले पाएंगे। ये देखिए कुछ सैंपल्स हैं जो कि डेलाइट कंडीशन में थोड़ा पास से थोड़ा दूर से फ़ोटो क्लिक किया गया है, आप एक एक करके देखिए और आप इधर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसा है। और ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स, जी हाँ ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स लिया गया है। लेफ्ट साइड में 48 MP कैमरा मोड ऑन करके दूसरे साइड में नॉर्मल फोटो सेम फोटो है लेकिन फोटो क्लिक करने के बाद 48 MP में जूम कुछ ज़्यादा ही होगा। रात की बात करें तो ये बिना नाइट मोड ऑन किया हुआ फोटो नॉर्मल में और दूसरी तरफ ये है नाइट मोड ऑन करके फोटो, तो नाइट मोड का काम इधर थोड़े बहुत इधर हुआ है आप इधर देख सकते हैं। और ये रहा कुछ मैक्रो शॉट्स जो 2 MP कैमरे में से लिया गया है, तो आप इधर देख सकते हैं मैक्रो शॉट्स बहुत ही अच्छा आया है। के पीछे के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है और ये 1080p और 30 FPS के ऊपर, और इसका जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो ऑलरेडी ऑन है, डिफॉल्ट ही ऑन रहेगा, आप इसको चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेट एक कैमरा रिव्यू किया है, आप चाहे तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पीछे के कैमरा इसका, जी हाँ ठीक ठाक है, ऐसा कोई घटिया नहीं कहेंगे, ठीक ठाक है। प्राइस के हिसाब से मुझे कैमरा ठीक ठाक लगा, बहुत ही बढ़िया नहीं लगा, ठीक ठाक लगा। इसका जो सेल्फी कैमरा है एकदम बकवास है, जी हाँ एकदम बकवास है, बहुत मुश्किल से आप अच्छे फोटो ले पाएंगे इसके सेल्फी कैमरा में। अगर कंडीशन बहुत ही ठीक ठाक रहा, डेलाइट कंडीशन है बहुत ही अच्छा है, लाइट बहुत ही आ रहा है, आपने फोन ठीक पोजीशन पर रखा है तो इस सेल्फी में आपको अच्छे फोटो देखने को मिलेगा। जैसे कि ये आपको सैंपल्स देखिए जो मैंने अच्छे कंडीशन में फ़ोटो क्लिक किया है।
तो अभी ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसका सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है और ये 720p और 30fps के ऊपर ही हो रहा है। तो अभी इसका आपको माइक का अंदाजा और कितना स्टेबलाइजेशन है उसका अंदाजा लग गया होगा। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि इसका सेल्फी एकदम, तो एकदम सीधी बात कि इसका सेल्फी एकदम घटिया है। रैम और स्टोरेज टाइप दो वेरिएंट में आता है, एक 4GB 64GB जिसका प्राइस है 14,000 रुपये, दूसरा है 6GB 128GB जिसका प्राइस है 16,000 रुपये। और इसमें आपको LPDDR4X वाला रैम देखने को मिल जाएगा जो UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। जी हाँ, और मेरे पास जो है 4GB 64GB वाला बेस वेरिएंट है, तो इसी के बारे में ही बात करेंगे। आपको MediaTek का Dimensity 700 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। ए वाला चिपसेट 5G चिपसेट है और मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में ए वाला चिपसेट बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। ए 5G प्रोसेसर होने के साथ साथ बहुत अच्छा गेमिंग भी कर लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर मैंने BGMI ट्राई किया है, फ्री फायर भी ट्राई किया है, उसी के साथ साथ कॉल ऑफ ड्यूटी की भी आप सेटिंग देख सकते हैं। हालांकि कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको सेटिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ गेमिंग में आपको कोई भी इधर परेशानी नहीं होगा। गेमिंग के साथ साथ ये फोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करता है। जी हाँ, अगर आप फेसबुक सोशल वगैरह ज़्यादा कुछ यूज़ करते हैं, मतलब जो आप टास्क करते हैं फोन के अंदर, वो भी बहुत अच्छे तरह से परफॉर्मेंस कर लेगा। 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर जो 18W का चार्ज सपोर्ट करता है और फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। और इसको 0 से 100% फुल चार्ज होने में टोटल टाइम लगता है 2 घंटे 2 मिनट या फिर 3 मिनट। जी हाँ, 2 घंटे लग जाता है इसको 0 से 100% फुल चार्ज होने में। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये डिपेंड करता है यूजर के यूसेज के हिसाब से। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़े बहुत गेमिंग करता हूँ, थोड़े बहुत सोशल मीडिया, उसके बाद वीडियोज वगैरह देखता हूँ, थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करता हूँ और कॉलिंग भी करता हूँ, मतलब कि बहुत हद तक मैं अपना काम करता हूँ फोन में, तो मेरा पूरा एक दिन निकल जाता है इस 5000mAh बैटरी। जी हाँ, एक दिन पूरा निकल जाता है। और वही बात करें बिना गेमिंग किए हुए तो ये आपका आराम से 1.5 दिन निकल जाएगा कॉलिंग और सोशल मीडिया यूज करते करते 1.5 दिन आपका आराम से चल जाएगा। तो बैटरी बैकअप इसका बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। जी हाँ, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको इस फोन के अंदर। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 5G फोन है, तो अभी इंडिया में तो 5G नहीं आया है तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 5G बैंड से इस 5G बैंड को ये सपोर्ट करता है, जब आएगा तब इसके अंदर एक बार टेस्ट करके देखेंगे। अदर्स जैसे कि 4G, जी हाँ इसके अंदर है, ये तो होगा ही, और 4G प्लस मतलब कि कैरियर एग्रीगेशन इसके अंदर है। मैंने अपने जियो सिम इसके अंदर डालकर चेक किया है तो 4G प्लस हमारे इलाका में एक्चुअली है, तो जी हाँ ये कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। अदर सिम जैसे कि VC मैंने इसके लगाकर देखा है तो वो भी अच्छे तरह से कॉल आ रहा था, जा रहा था। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से कि आपका एरिया में कितना नेटवर्क अच्छा है या फिर नहीं। अदर जैसे कि वीडियो वाईफाई कॉलिंग इस तरह का फीचर सबको इसमें देखने को मिल जाएगा। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर है, लेकिन जब आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करने जाएंगे तो वो आगे वाला बंदा सुन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑनेस्ट कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है। वीडियो कॉलिंग के लिए आपको गूगल डुओ का यूज करना पड़ेगा। फालतू के प्री लोडेड ऐप्स आपको उतने सारे देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा। Amazon, Netflix, मी क्रेडिट, इस तरह का एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं मी क्रेडिट, लेकिन मी पे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि मी क्रेडिट है, आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं आराम से अगर आप करना चाहते हैं तो। आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 के साथ आता है जो एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है। MIUI के सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और पोको के फ़ोन है तो इसलिए आपको एड्स नहीं आएगा, जो एक अच्छी बात है। ओवरऑल मुझे अभी तक कोई भी इधर इश्यू नज़र नहीं आया है, मतलब कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में, तो मुझे एक अच्छा लगा। और पोको का लॉन्चर जो है वो काफ़ी क्लीन है, आपको क्लीन नज़र आएगा। नीचे की तरफ आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, तो ये रहा एक सैंपल। तो सैंपल में आपने खुद सुना, तो मेरे हिसाब से एक सिंगल स्पीकर के हिसाब से इसका स्पीकर आवाज ठीक ठाक है, बहुत ही लाउड नहीं है। इस प्राइस पॉइंट में अभी आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जा रहा है, लेकिन इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। और वही बात करें इसकी ईयरफोन के स्पीकर की, तो जी हाँ ये बहुत ही लाउड इनफ है, इसमें
कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अगर आप एक ट्रैफिक में भी है और इसमें अपने फुल वॉल्यूम करके रखा है तो आप आसानी से सुन पाएंगे। इसके अंदर में रिजोल्यूशन आता जाता रहता है ट्रैफिक में, मैंने खुद इसको ट्राई किया है कॉल करके, तो जी हाँ लाउड इनफ है इसका ईयरफोन। लेकिन इसका स्पीकर क्लियरली आवाज़ आता है, लेकिन थोड़ा और भी बेहतर होना चाहिए था, और ड्यूअल स्पीकर होता तो बहुत ही मजा आ जाता। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की बात करें तो फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है। जी हाँ, फिंगरप्रिंट में कोई भी शिकायत मुझे नहीं है। वही बात करें फेस अनलॉक की तो मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ, क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से फास्ट फेस अनलॉक कर लेता है। ये वाला फिंगर मेरा मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप देखिए खुद इधर, ये देखिए बहुत ही फास्ट एक्चुअली ओपन हो जाता है। देखिए मैंने लॉक किया, फेस अनलॉक किया और टिक मार्क दिखा रहा है, जो बहुत ही फास्ट है, देखिए बहुत ही फास्ट है। और ये डार्क रूम में भी बहुत अच्छे तरह से काम कर लेता है, इसीलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट हूँ। और डार्क रूम में सारे स्क्रीन की लाइट मेरे मुंह के ऊपर पड़ता है और उसी को ये बहुत ही जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक बहुत ही बढ़िया है। हालांकि इसका सेल्फी कैमरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जी हाँ जो अच्छी बात है वो तो बोलना ही है। तो क्या ये फोन आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं, वो बोलने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूंगा इस फोन के बारे में, जो एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट भी आप कह सकते हैं इसको। पहली बात की इसका प्राइस है बेस वेरिएंट 14,000 रुपए, और इस प्राइस पॉइंट में अभी आपको फोन मेमोरी 128 GB आराम से देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें 64 GB है, जो मुझे लगता है कि डाउन पॉइंट है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टोरेज होगा उतना फायदेमंद होगा मेरे लिए और शायद आपके लिए भी। दूसरा कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप दो सिम कार्ड या फिर आपको एक सिम कार्ड एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा के जीना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि यूजफुल फीचर। अगर आप एक सिम कार्ड यूज करते हैं तो शायद आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन मेरी तरह मैं दोनों सिम यूज करता हूँ, उसके साथ साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी लगाना पसंद करता हूँ, तो मेरे जैसे यूजर के लिए ये तो अच्छा नहीं है। तीसरा जो मेन पॉइंट है इसके कैमरास पे, पहला तो इसका सेल्फी घटिया है। अगर आप एक सेल्फी लवर हैं तो आपके लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। इसका सेल्फी ऐसा है कि काम चला हुआ कह रहा है। जी हाँ, 14,000 रुपया पे कर रहे हो और कैमरा सेल्फी अगर इतना खराब रहेगा तो कैसे चलेगा भाई। हर कोई सेल्फी लेना पसंद करता है, बहुत मुश्किल से आप अच्छे फोटो ले पाएंगे इसके सेल्फी में। तो अगर आप एक सेल्फी लवर है जो फ्रंट कैमरा से फोटो लेना पसंद करते हैं तो आपके लिए तो ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। और पीछे में जो कैमरा दिया गया है उसमें मुझे लगता है कि इसका जो मेन कैमरा है 48 MP का, उसमें और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि डे लाइट कंडीशन में ही आप अच्छी फोटो क्लिक कर पाएंगे। अगर थोड़ा लाइट कंडीशन थोड़ा खराब रहा तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता इसका मेन कैमरा। तो कैमरा के मामले में भी 14,000 रुपये के हिसाब से मुझे ठीक ठाक नहीं लगता है वाला फोन। तो ये तो थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें तो आपको हेडफोन जाए आया ब्लास्टर, जिसके हेल्प से आप टीवी एसी सेट टॉप बॉक्स वगैरह कंट्रोल कर पाएंगे। और इधर आपको सेकेंडरी माइक भी देखने को मिल जाता है, जो मुझे बहुत ही यूजफुल लगता है कि आपके आसपास जो नॉइज होगा वो कैप्चर नहीं करेगा। आप किसी से बात कर रहे हैं और आसपास नॉइज है तो जो आप बात करेंगे वो बहुत ही क्लियर, आपको जो जिससे आप बात करेंगे उसको बहुत ही अच्छा क्लियरली साउंड सुनाई देगा। और ये वाला फीचर जब आप किसी वीडियो शूट करेंगे, जी हाँ जो मैं पर्सनली शूट करता हूँ एक्चुअली, तो वीडियो शूट करेंगे तो आसपास जो नॉइज होगा वो बहुत हद तक रिड्यूस कर देगा, कैप्चर नहीं करेगा, जो एक अच्छा फीचर है। और इसका फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है। इसका जो प्रोसेसर है जो मीडियाटेक का डायमेंशन 700 वाला प्रोसेसर है, बहुत हद तक बैटरी एफिशिएंट भी है, मतलब कि बहुत हद तक बैटरी को कंट्रोल करता है, सीपीयू को ठंडा रखता है। ये फोन उतना गर्म नहीं होता, मैं गेम भी खेलता हूँ मैंने देखा है उतना गर्म नहीं होता, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। डिज़ाइन वाइज भी फोन अच्छा है और 5G है एक्चुअली, तो फ्यूचर प्रूफ है। तो फ्रेंड्स पोको M3 Pro 5G आपको सोच समझ कर ही लेना चाहिएगा, क्योंकि इसी प्राइस टैग में आपको 4G फोन बहुत हद तक फीचर्स के साथ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी 5G की रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज और भी बहुत ऑप्शन है, और भी बहुत ऑप्शन आएगा, उसके लिए वेट कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला फोन आपको लेना है या फिर नहीं। और एक बात की इस फोन का मैंने गेमिंग टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट और कैमरा टेस्ट भी किया है। आप चाहे तो आई बटन के ऊपर या फिर आपको मेरे चैनल में एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा पोको M3 Pro 5G के ऊपर, आप चाहे तो वो देखकर भी डिसीजन ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ जो मैं आपको रिव्यू या फिर एक्सपीरियंस दिया 2 महीने में मैं अपने एक्सपीरियंस में
वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर।